हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। टुडे वी रन क्लास फॉर कंप्यूटर। लेट्स वी कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। राइट द स्टेप टू मूव द फाइल और फोल्डर ऑन अ न्यू लोकेशन। फाइल और फोल्डर को न्यू लोकेशन में ले जाने के लिए, मूव करने के लिए कौन सी स्टेप जो है वो यूज होगी, वो आपको यहाँ पे लिखना है। मूव करना मतलब क्या होगा, इसे क्या करना होगा, हमें कट करना होगा। आपका आंसर नंबर 3 है, स्टेप टू मूव अ फाइल और फोल्डर। फाइल और फोल्डर मूव करने के लिए आपको ये स्टेप दी गई। आपका आंसर नंबर 3 जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो कौन सी स्टेप होती है जिसे आपको मूव करना है, पहले राइट क्लिक करके उसे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके जो आपके सामने ऑप्शंस आएंगे उनमें से कट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। कट ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो जहाँ आपको वो मूव करना है कोई भी फोल्डर में या डेस्कटॉप पे, तो वहाँ जाके पेस्ट ऑप्शन राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन को प्रेस करना है, तो जो आपकी फाइल है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या है? राइट द स्टेप टू चेंज अ स्क्रीन सेवर। आपको स्टेप लिखनी है स्क्रीन सेवर चेंज करने के लिए। आपका जो आंसर है आंसर नंबर 4, स्क्रीन सेवर क्या है और वो स्टेप क्या है जिससे स्क्रीन सेवर चेंज होगा, तो आपको लिखना है यहाँ से चेंजिंग द स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या है? अ स्क्रीन सेवर इज एन एनिमेटेड इमेज दैट इज एक्टिवेटेड ऑन द कंप्यूटर इफ द कंप्यूटर इज आइडल फॉर द सर्टन स्पेसिफिक टाइम। देखिए, जब हम कंप्यूटर का माउस थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो मतलब वो बंद हो जाता है, तो जब वो प्रोसेस बंद करेगा या जो स्क्रीन है वो ऑफ करेगा तब कौन सी इमेज होनी चाहिए, इसके लिए होता है स्क्रीन सेवर। तो उसकी स्टेप जो है आगे दी गई है, स्टार्ट बटन पे जाना है, कंट्रोल पैनल में से प्रेजेंटेशन सिलेक्ट करना है आइकॉन, उसमें जो है अपीयरेंस एंड साउंड, ये जो आपकी विंडो ओपन होती है उसमें से सिलेक्ट करना है स्क्रीन सेवर ऑप्शन। देखिए, आपका आंसर जो यहाँ से शुरू होता है, जो स्टेप्स है आपकी 10 स्टेप है। देखिए, स्क्रीन सेवर ओपन करोगे, फिर वहाँ पे सेटिंग करना है आपको, कितने मिनट रखना है, 2 मिनट के बाद ऑफ करके फिर से स्टार्ट, मतलब 2 मिनट के लिए ऑन रहेगा कंप्यूटर, उसके बाद स्क्रीन सेवर चालू हो जाएगा, फिर अप्लाई करना है और ओके बटन करना है। ये होगी आपकी यहाँ तक स्टेप स्क्रीन सेवर चेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेप टू कॉपी अ फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एक फाइल को कॉपी करने के लिए आपको कौन सी स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, ये यहाँ पे लिखना है। आपका आंसर नंबर 5 जो है, स्टेप टू कॉपी फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। फाइल आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है, कॉपी करनी है, कॉपी मीन्स डुप्लीकेट कॉपी होती है, सेम एज दूसरी जगह, तो उसके लिए क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा माउस से, वहाँ पे देखिए कॉपी ऑप्शन आएगा, कॉपी ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट करते हो वो जो फोल्डर है कॉपी हो जाएगा, फिर दूसरी जगह हमें जिस उसकी जहाँ कॉपी चाहिए वहाँ पे जाके हमें फिर से राइट क्लिक करना है और पेस्ट ऑप्शन प्रेस करना है, तो जो आपका फोल्डर है वो कॉपी हो जाएगा। फाइल या फोल्डर कोई भी हो, दोनों के लिए एक ही स्टेप है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ वॉलपेपर। वॉलपेपर क्या है? हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्क्रीन सेवर। वॉलपेपर क्या है वो स्क्रीन सेवर से अलग क्यों है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। आंसर नंबर 6 है, देखिए, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डेस्कटॉप। वॉलपेपर क्या है आपको यहाँ पे बताया गया है और वो क्यों स्क्रीन सेवर से अलग है। वॉलपेपर क्या होता है, डेस्कटॉप पे जो फर्स्ट स्क्रीन होती है आइकॉन्स पे पीछे जो होता है उसे कहा जाता है वॉलपेपर, ठीक है। और वॉलपेपर जो होता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक हमें दिखता है, मतलब जब डेस्कटॉप हम ओपन करते हैं, डेस्कटॉप सबसे पहले जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तब जो डेस्कटॉप पे आइकॉन्स होते हैं, आइकॉन्स के पीछे जो होता है वो वॉलपेपर होता है। और वॉलपेपर एक मतलब बेडशीट कर्टन की तरह होता है ना, जिससे कि इनहेंस अपीयरेंस। हम जैसे कि नया घर लेते हैं उसकी वॉल्स चेंजिंग करते हैं, पोर्ट्स लाइक बेड शीट्स, कर्टन्स, उसी तरह वॉलपेपर होता है, हम इसे डेस्कटॉप से चेंज कर सकते हैं। ये क्या होता है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है। वॉलपेपर क्या होता है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है। स्क्रीन सेवर क्या होता है, स्क्रीन सेवर जो होता है वो आप अगर थोड़े देर के लिए कंप्यूटर को छोड़ देते हैं, 2 मिनट हम उसमें टाइम सेट कर सकते हैं कि 2 मिनट अगर कंप्यूटर को छोड़ दिया है, कोई टच नहीं कर रहा है, तो स्क्रीन सेवर
अपीयरेंस आ जाता है, मतलब सामने आ जाता है। ओके, तो आपका आंसर नंबर 6 जो है यहाँ से है यहाँ तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर जो है आपका चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होता है। उसकी एक्सरसाइज मैंने करवा दी है, तो जितने क्वेश्चन अभी इस वीडियो में मैंने करवाए, 3 क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक, तो आपको नोटबुक में लिखने हैं। लेट्स वी स्टार्ट अवर स्किल शीट वर्किंग विथ विंडो। हम अभी स्किल शीट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ स्क्रीन सेवर स्टार्टेड इफ द कंप्यूटर इज डल फ्रॉम द स्पेसिफिक टाइम। अगर कंप्यूटर स्क्रीन सेवर जो है कब स्टार्ट होता है, जब थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर छोड़ दिया जाता है। द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर। जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है उसे क्या कहा जाता है, वॉलपेपर कहा जाता है। नेक्स्ट, अ डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन विच कम ऑन द मॉनिटर व्हेन द स्विच ऑन योर कंप्यूटर। डेस्कटॉप ऐसी स्क्रीन है जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो तब दिखाई देती है, फर्स्ट स्क्रीन होती है कंप्यूटर की। नेक्स्ट है, अ फाइल इज अ वॉलपेपर डॉक्यूमेंट दैट कंटेन इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर ऑन अ कंप्यूटर। फाइल एक पेपर की तरह, पेपर डॉक्यूमेंट की तरह होती है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। नेक्स्ट है, अ फोल्डर हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन इंफॉर्मेशन। फोल्डर भी एक फाइल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं। ये भी एक इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखता है, मतलब इन्फॉर्मेशन उसमें होती है बहुत सारी। देखिए, फाइल किस में होती है, फोल्डर में हम सेव करके रख सकते हैं अलग अलग फाइल। नेक्स्ट है, द माई कंप्यूटर फोल्डर आइकॉन इंक्लूड टू ओवरऑल व्यू ऑफ द ड्राइव। माई कंप्यूटर फोल्डर आइकॉन जो है वो सारे कंप्यूटर का ओवरव्यू बताता है। यू कैन कॉपी अ फाइल और फोल्डर यूजिंग द कॉपी और पेस्ट कमांड। हम कोई भी फाइल या फोल्डर कॉपी कर सकते हैं, कौन सी दो कमांड यूज़ करके, कॉपी एंड पेस्ट। नेक्स्ट है, ई ड्राइव अलाउ यू टू एक्सेस द कंटेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। ई ड्राइव जो है क्या बताता है, सीडी के कंटेंट्स होते हैं उसमें। ई ड्राइव में क्या होता है, सीडी जो हम इन करते हैं सीपीयू में, उसके कंटेंट जो होते हैं वो ई ड्राइव में हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है, राइट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन द बॉक्स प्रोवाइडेड बिलो। जो आपको बॉक्स दिए गए हैं उसमें टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स आपको लिखना है। फर्स्ट है, यू कैन रिमूव अ फाइल एनी टाइम। आप कभी भी यू कैन रीनेम अ फाइल एनी टाइम। आप कभी भी जो है फाइल को रीनेम कर सकते, इज ट्रू। नेक्स्ट, अ फोल्डर हेल्प टू लोकेट फाइल इजीली। जो फोल्डर है आपको इजीली फाइल्स लोकेट करने में हेल्प करता है, ये इज ट्रू। नेक्स्ट, यू कैन मूव अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। आप एक जगह से दूसरी जगह फाइल या फोल्डर मूव कर सकते हो, यस इज ट्रू। नेक्स्ट, द बैकग्राउंड ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड अ स्क्रीन सेवर। जो बैकग्राउंड होता है डेस्कटॉप का उसे स्क्रीन सेवर कहा जाता है, उसे कहा जाता है वॉलपेपर। नेक्स्ट है, अ वॉलपेपर इज समथिंग दैट मूव ऑन द कंप्यूटर इफ द कंप्यूटर इज आइडल फ्रॉम स्पेसिफिक टाइम। वॉलपेपर देखो, जब आपका कंप्यूटर है थोड़े देर के लिए छोड़ दिया जाता है, हम टच नहीं करते, तो जो सामने आता है उसे वॉलपेपर कहा जाता है। इट्स रॉन्ग, उसे कहा जाता है स्क्रीन सेवर। तो ये हुआ हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है, यू विल फाइंड एन ओवरऑल व्यू ऑफ ऑल द ड्राइव्स इनसाइड द माई कंप्यूटर फोल्डर। यस, ये ट्रू है। जो भी फाइल्स या फोल्डर होती है पूरे कंप्यूटर में, ओवरऑल व्यूज जो होता है वो हमें किस में दिखाई देता है, माई कंप्यूटर फोल्डर में। द कट एंड पेस्ट कमांड आर यूज टू मूव अ फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए फाइल को मूव करने के लिए, मूव याद रखना है, कॉपी करने के लिए कॉपी एंड पेस्ट, और मूव अगर लिखा हुआ है मूव करने के लिए तो कट एंड पेस्ट ऑप्शन यूज होता है, इज ट्रू। नेक्स्ट है, द वॉल पेपर एंड स्क्रीन सेवर सेटिंग कुड बी चेंज यूजिंग द कंट्रोल पैनल। वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर की सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं कंट्रोल पैनल का यूज़ करके, यस ट्रू। दोनों जो है कंट्रोल पैनल से में ही चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द आइकॉन्स ऑन कॉलम ए विद देयर
प्रोग्राम्स ऑन कॉलम भी देखिए, यहाँ पे आइकॉन्स दिए गए हैं और उनके प्रोग्राम्स दिए गए हैं, नेम दिए गए हैं आइकॉन्स के, तो आपको उन्हें मैच करना है। ये देखिए फर्स्ट जो आइकॉन है वो किसका है, पेंट का, राइट पेंट का है, तो पेंट कौन से नंबर पे है, तो आपको लिखना है 6 यहाँ पे। नेक्स्ट कौन सा है आइकॉन, नोटपैड का आइकॉन है ये, तो नोटपैड जो है कौन से नंबर पे, वी मतलब 5। थर्ड नंबर का जो आइकॉन है वो कौन सा आइकॉन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसलिए मैंने 4 नंबर यहाँ पे लिखा। डी, डी जो है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1। देखिए ये कौन सा आइकॉन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है, इसलिए 3 नंबर। नेक्स्ट जो है आपका आइकॉन वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 लिखा। नेक्स्ट हम देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ब्रैकेट में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है और ब्लैंक्स फिल करनी है। फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेप टू रीनेम अ फाइल इज टू डैश। फर्स्ट स्टेप रीनेम करने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप क्या करनी पड़ेगी, पहले राइट क्लिक करना पड़ेगा फाइल आइकॉन पे, जो फाइल हमें रीनेम करनी है उस पर क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा। द फर्स्ट स्क्रीन दैट कम्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप। देखिए जो फर्स्ट स्क्रीन आती है मॉनिटर पे उसे क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप। सी नंबर का है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल इज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल क्या है, एक स्प्रेडशीट फाइल है। डी है, द स्टार्ट बटन इज एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप। बॉटम में होता है, लास्ट में होता है डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड में, कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड कॉर्नर में होता है स्टार्ट बटन। नेक्स्ट है, अ फाइल सेव्ड इनसाइड अ, फाइल किस में सेव की जाती है, फोल्डर में। आगे आपको कुछ लैब एक्टिविटी दी गई है, जैसे कि क्रिएटिंग एंड रीनेमिंग फोल्डर, क्रिएटिंग मूविंग द फोल्डर। देखिए जो जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आपके पास अगर कंप्यूटर या लैपटॉप है अवेलेबल है तो आपने जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं और कट कॉपी पेस्ट रीनेम करके देखना है, देन फाइल्स फोल्डर क्रिएट करने देखना है। देखिए डी है, टाइप द फॉलोइंग कंटेंट ऑन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए फिर नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दी है कि आपको ये जो कंटेंट दिया हुआ है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखना है। उसके बाद जो आपको आगे दी गई है वो स्टेप फॉलो करनी है, वो आपने कंटेंट लिख लिया। उसके बाद देखो आपको दिया गया है यहाँ पे कि डेस्कटॉप पे आपको माई सिटी करके एक फोल्डर क्रिएट करना है, और जो आपने कंटेंट लिखा है वो किस नाम से, बॉम्बे नाम से सेव करना है, और वो किस में सेव करना है, जाके फाइल को माई सिटी फोल्डर में। देखिए इस तरह से आपको जो है करना है, फिर उसको कट पेस्ट करना है, फिर माई डॉक्यूमेंट में उसे क्या करना है, कट पेस्ट करना है, रीनेम करना है, बॉम्बे से मुंबई जो फाइल का नाम था हमारा उसे रीनेम करना है, मूव दिस फोल्डर बैक ऑन द डेस्कटॉप, फिर से डेस्कटॉप पे लाना है। ये जो स्टेप है आपने लिखने के बाद फॉलो करके देखनी है। नेक्स्ट है, फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, फिर से आपको क्रिएट करने के लिए दिया है, तो ये जो है आपने अगर आपके पास कंप्यूटर और लैपटॉप अवेलेबल है तो करके देखना है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है ख़त्म होता है, तो आपको होमवर्क है जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स से, सारे स्किल शीट जो है आपने फिल कर ली है, देन क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 जो है नोटबुक में लिखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 भी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।